आगे कल योगी आदित्यनाथ आए थे हजारीबाग में, यानी उनके भाषण में हिंदू मुसलमान ना हो ये हो ही नहीं सकता। गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठिया जो है वो घुसे जा रहे हैं। कि अभी सरकार सेंट्रल में किसका है, इसका दायित्व किसका है जो हो जाए? यहाँ के मुद्दे पर बात किया, यहाँ का कोई भी विकास की बातें नहीं हुई, धरातल पे किसी भी तरह का कोई भी बात, कोई भी मुद्दा वैसे नहीं हुई जिसका है। आपको खतरा है भाई साहब मुसलमान से? नहीं, नो, यहाँ कभी वैसा नहीं। हम लोग भाईचारा के साथ देख लीजिए, यहाँ हिंदू मुसलमान सब है। कितना लोग सुसाइड कर गया है, बीए बीटेक पढ़ करके हम लोग भीख मांग करके बाल बच्चों को पढ़ाए, हमारे बाल बच्चों को कोई रोजी रोटी नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। इन्होंने बहुत तंग किया बीजेपी। आप भावुक क्यों हो गए, भावुक क्यों? दोस्तों, इस वक्त मैं झारखंड में हूं और आम जनता के बीच में पहुंच चुका हूं। नेता लोग आते हैं जब सिर्फ चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन पूरे 5 साल आम जनता के बीच में मैं रहता हूं। उत्तर प्रदेश से निकलकर झारखंड में आ गया हूं। यहां पर दंगल चल रहा है, चुनावी दंगल, और इस दंगल में कौन बाजी मारेगा यही बात जानने के लिए मैदान में आ गए। कल योगी आदित्यनाथ आए थे हजारीबाग में, क्या बोल कर गए वो तो आपने सुनी लिया होगा, यानी उनके भाषण में हिंदू मुसलमान ना हो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपकी बेटियों को लेकर भाग जाते हैं कौन लोग, मुसलमान। और गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठिया जो है वो घुसे जा रहे हैं। कौन कह रहा है, गृह मंत्री कह रहे हैं। ये तीनों नेता का बयान जो है वो आपने सुन लिया होगा। आम जनता के बीच में आ गया हूँ इसी का जवाब लेने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास आ जाता हूँ, क्या हाल चाल है? हाँ, बढ़िया है। मेरा नाम गोविंदा है। गोविंदा, गोविंदा एक बात बताओ, मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को जो है वो, मतलब हिंदू लड़कियों को जो है मुसलमान लेके घुसपैठिया लेके भाग जाते, क्या ऐसा होता है क्या? तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी सरकार सेंट्रल में किसका है, इसका दायित्व किसका है? जो खुद बोल रहे हैं कि घुसपैठिया आ रहा है, हमारा बांग्लादेशिया घुस रहा है, तो इसका जवाबदेही कौन है? सेंट्रल में सरकार किसका है, मोदी जी का है, तो उनका दायित्व बनता है ना किसको रोके। जो खुद वो बोल रहे हैं कि हमारा भारत को बदनाम हो रहा है, तो इसका दायित्व कौन है? सेंट्रल में मोदी जी बैठे हैं, तो उनको मॉनिटरिंग तो मोदी जी को करना चाहिए ना, या योगी जी आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। योगी जी आए, यहाँ के मुद्दे पे बात ही नहीं किए, वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि राम नाम सत हो जाएगा, जहन्नम चले गए। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? पर बात हुई है, किस पर बात हुआ सबसे ज्यादा योगी जी, किस पर बात की है ईमानदार से बताना? राम मंदिर के ऊपर बात हुआ है। मैं राम मंदिर के जगह से आया हूँ आप लोग के पास। यहाँ भी राम नाम होना चाहिए, सब जगह राम नमी हो जाए, मतलब हो जाए। यहाँ के मुद्दे पर बात किया, यहाँ का कोई भी विकास की बातें नहीं हुई धरातल पे, किसी भी तरह का कोई भी बात, कोई भी मुद्दा वैसे नहीं हुई जिसमें धरातल की बात की गई हो, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ राम नाम, सिर्फ राम नाम, सिर्फ राम। देखिए, धर्म का सम्मान सभी का होना चाहिए, सर्वधर्म सम्मान है, और उसका यहाँ पे लोग राजनीतिक उसको बना दिए हैं और राजनीतिक खेला कर रहे हैं, और उस खेला के आधार पर मुसलमान मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? एक बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहीं। आप बताइए, हिंदू मुसलमान मुद्दा होना चाहिए कि विकास का मुद्दा होना चाहिए? विकास का मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अमित शाह और मोदी जी, योगी जी लगातार पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, सुना होगा आपने शायद? सुने, मुसलमान से दिक्कत है, मुसलमान जो है बेटियों को उठा ले जाते हैं। उठाता है क्या कभी? नहीं, गलत है। कभी उठाया मुसलमान का, मुसलमान आदमी आपके बेटियों को उठाया क्या? नहीं भाई, कभी उठाया क्या? कभी नहीं उठाया। इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान करके और राम जन्मभूमि करके यही इनका डंका बजरा। यहाँ महंगाई चरम सीमा पर है। ये महंगाई पर एकदम नहीं, जो हम लोग 100 रुपया कड़ुआ तेल लेते थे, अभी 160 रुपया हो गया। इस पर बात नहीं कर रहा, इस पर कभी नहीं बात किया, कोई मुद्दा पर बात नहीं किया। बेरोजगार मेरा बेटा बीटेक किए हुए, मैं रोड में दौड़ रहा है, अब बीजेपी का लोग है सो खाली उसका बाल बच्चा है सो नौकरी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, और हमारा बेटा है, गरीब का बेटा है, उसको कहीं नहीं जगह है। रोजगार नहीं दे रहे हैं? रोजगार एकदम नहीं है किसी भी, सब युवा बीटेक करके एमबीए करके लड़के दिन भर दिन भटक रहे हैं, अपना डिग्री लेकर रोड पर घूम रहे हैं, रोजगार नाम की कोई बात ही नहीं हो रही है। लड़का भटक रहा है दिन पर दिन, घर में उसके कमा। मुद्दा क्या कह रहे हैं, मुद्दा क्या है? घुसपैठिया, घुसपैठिया, राम नाम, हिंदू मुस्लिम, ये वो दिस दैट करके पूरा अपना राजनीति का रोटी सेके जा रहे हैं। लड़कों को रोजगार चाहिए, जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा, शिक्षा का व्यवस्था पूरा बदतर हो चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा बदतर हो चुका है। आज जाइए अस्पताल में, चले जाइए, वहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं है, मरीज किनारे पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप बताइए, मुद्दा क्या होना चाहिए, हिंदू मुसलमान होना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा? बेरोजगारी है सो दूर होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पर कोई धार्मिक पर कोई किसी तरह से किसी बात को नहीं होना चाहिए। मुसलमान से कोई खतरा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुस्लिम से खतरा है ना हिंदू से खतरा, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी से खतरा है? आपको खतरा है भाई साहब मुसलमान से? नहीं, नो,
यहाँ कभी वैसा नहीं। हम लोग भाईचारा के साथ देख लीजिए, यहाँ हिंदू मुसलमान सब हैं, ये 366 दिन रहते हैं हम लोग साथ में। ऐसे ही बात तो नहीं, ये कैसे बता रहे, घुसपैठिया घुसे जा रहे हैं बांग्लादेशी, ये इनका ड्रामा है। इसलिए कि महंगाई नहीं करना है कम, और बेरोजगारी दूर नहीं करना, ये अपना मुद्दा लेकर राम जन्मभूमि हिंदू मुसलमान करके मस्जिद तोड़ो मंदिर तोड़ो यही सब कर रहे हैं। हाँ ये मुसलमान नहीं, बात कर लेते हैं, क्या लगता है किसकी लड़कियां उठा के लेकर भागे भाई? मतलब मोदी जी कहते हैं मुसलमान बड़ा दिक्कत कर रहा है, वहाँ घुसपैठिया घुसे जा रहे हैं, आप घुसपैठिया तो नहीं है? नहीं जी, हम लोग हमेशा हजारीबाग से ही हैं। तो हजारीबाग के ही हैं? पक्का? पक्का, ये पक्का हजारीबाग के? यस, ये हम लोग शरीफ आदमी, सब हम लोग पर थोपा जाता है झूठ मूठ का। ये मोदी जी क्या मुद्दा चाहते हैं आप, हिंदू मुसलमान या बेरोजगारी महंगाई शिक्षा पर मुद्दा होना चाहिए? ये मुद्दा होना चाहिए शिक्षा पर होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में क्या होगा? हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना? कोई लेना देना, मुसलमान हिंदू कुछ हम लोग सब भाई भाई रहते हैं। अच्छा? हम भी मुसलमान हैं, हम गिरिडीह। अच्छा, आप भी मुसलमान हैं? हम गिरिडीह से हैं, मेरा पड़ता है इधर गिरिडीह जिला से। अच्छा, गिरिडीह जिला से हैं आप? सूप बेचने आए हैं? सूप बेचने आए हैं। तो देखिए, मैं हजारीबाग में था, आम जनता से बात कर रहा हूँ, और आप देख लीजिए, आप मतलब बिल्कुल आप लोग चाहते हैं कि मुद्दा महंगाई बेरोजगारी शिक्षा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जमीनी स्तर पे देखा जाए बहुत बहुत जरूरी है। आदमी आत्महत्या कर रहा है यहाँ लोग बेरोजगारी से, कितना लोग सुसाइड कर गया है। बीए बीटेक पढ़ करके हम लोग भीख मांग करके बाल बच्चों को पढ़ाए, हमारे बाल बच्चों को कोई रोजी रोटी नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। इन्होंने बहुत तंग किया बीजेपी। आप भाव क्यों हो गए? भाव क्यों? इसलिए हो गए कि इतनी त्रस्त है, मेरा बेटे लोग पढ़े हुए हैं, कुछ मिल नहीं रहा, हमने बंधक रख कर पढ़ाए। मतलब क्या करके पढ़ाया आप? हमने कर्जा बोगाम लेकर पढ़ाए, एजुकेशन लोन नहीं दिया गया बीजेपी में। मैं बैंक ऑफ इंडिया गया, मेरा बच्चा को बीटेक करवाना था, बोला मिल जाएगा, उसका किताब लग के रख दिया, बोलता सेंट्रल से कोई ऑर्डर नहीं है, ये बोल करके मेरा बुक को रेती कर दिया, मुझे लोन नहीं दिया, मुझे कर्जा लेना पड़ा गोल्ड पर लिए। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे, कहाँ झारखंड में, और उनके खुद के राज में नौनों को जो है पेपर लीक हो गया, उस पर बात नहीं, यहाँ की बात कर रहे थे। सारा जुमला है और कुछ नहीं है, और वो अपना जुमला पे सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे अपना राजनीतिक तत्व को प्रभाव करके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हजारीबाग की जनता जाग चुकी है। सीधा सीधा बताइए, इंडिया गठबंधन या एनडीए या कोई और? कोई और। इंडिया गठबंधन या कोई और? कोई और। इंडिया गठबंधन और एनडीए में कोई है नहीं? नहीं, दोनों नहीं। दोनों नहीं भाई, इंडिया गठबंधन या एनडीए? एनडीए। एनडीए, आप बताइए। एनडीए भाई साहब, इंडिया गठबंधन या एनडीए या कोई और? कोई और होगा। कोई और होना चाहिए। इंडिया गठबंधन, एनडीए या कोई और? कोई और होना चाहिए। दोनों नहीं चाहिए? नया चेहरा होना चाहिए। नया चेहरा होना चाहिए भाई। इंडिया गठबंधन या एनडीए या कोई और? नहीं भैया, नया चेहरा, हजारीबाग में नया चेहरा बहुत जरूरी होगी। इंडिया गठबंधन या एनडीए या कोई और? नया चेहरा, कोई और। कोई और है भाई साहब, इंडिया गठबंधन या एनडीए या कोई और? कोई और। कोई और? और कोई यार, इंडिया गठबंधन या एनडीए? नहीं, इंडिया गठबंधन। इंडिया जी, ठीक है। तो हम हजारीबाग में थे, आम जनता के बीच में थे, बात कर रहे थे। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बताना, देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।